गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आपका स्वागत है। मैं भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन यूनिट 5 का लेक्चर नंबर 2 बना रहा हूँ। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में मैंने सिर्फ कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के टॉपिक पीएलसी के इंट्रोडक्शन को बताया था। पीएलसी क्या होता है, हम अपने लाइफ में पीएलसी कहाँ यूज करते हैं, कैसे पीएलसी आया हमारे लाइफ में, क्यों सोचा गया पीएलसी के बारे में, ये मैंने बताया था। आज मैं पीएलसी क्या होता है इस पर बात करूँगा, ठीक है, और धीरे धीरे टॉपिक को आगे बढ़ाऊँगा। चलिए पीएलसी, सबसे पहले टॉपिक लिखा भी हुआ है पीएलसी, व्हाट इज पीएलसी, पीएलसी होता क्या है। तो अगर कोई पूछेगा पीएलसी क्या होता है, तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही बताना पड़ेगा आपको। सही बात है, पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। प्रोग्रामेबल, मैंने प्रीवियस क्लास में प्रोग्रामेबल का मीनिंग समझाया था, रीप्रोग्राम करने वाले डिवाइस को प्रोग्रामेबल बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स इज ए प्रोग्रामेबल डिवाइस, ह्यूमन बींग्स इज ए प्रोग्रामेबल डिवाइस। सर कैसे मान ले कि ह्यूमन बींग्स प्रोग्रामेबल डिवाइस है? तो जैसे मान लिया कि आप एक बच्चे को लीजिए, ठीक है, एक बच्चा आया, बच्चे को आज सिखाए ए फॉर एप्पल होता है, वो सीख गया ए फॉर एप्पल होता है, ठीक, यानी प्रोग्राम आपने कर दिया ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट डे वो बच्चा आएगा, फिर से उसको बोलेगा नहीं नहीं ए फॉर बॉल होता है, ए फॉर एप्पल भूल जाओ, ठीक है, तो ए फॉर एप्पल भूल गया और ए फॉर बॉल सीख गया, ठीक है। यानी कि आप उसके दिमाग में जो भी सॉफ्टवेयर डालेंगे, वो सॉफ्टवेयर उसके लिए इनपुट, वो सॉफ्टवेयर उसके लिए परमानेंट हो जाएगा एक बार के लिए, फिर आप चाहेंगे तो उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आप प्रोग्राम में यानी कि कंप्यूटर के अंदर जैसा प्रोग्राम डालेंगे, वैसा ही वो काम करना शुरू कर देगा, यानी कि प्रोग्राम चेंज किया जा सकता है, ठीक है, ज़रूरत के अनुसार से प्रोग्राम बदल दीजिए, काम होने लगेगा। तो यही है प्रोग्रामेबल डिवाइस, यानी पीएलसी एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है। आते हैं प्रोग्रामेबल के फोटो पे आते हैं। सर डायरेक्ट फोटो पे क्यों आ रहे हैं? तो मैं अभी लाइन बाय लाइन तो मैं पढ़ाता हूँ, आपको पता ही है लिखना मिलो की मजबूरी है, इसलिए क्योंकि आप इसे नोट्स बनाएंगे पहला। दूसरा कि सर अगर मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हुए और वीडियो बनाते हुए चलो तो टू लॉन्ग टाइम, ये बहुत लंबा समय होगा, और आप सीनियर स्टूडेंट हैं। अब यहाँ पर नहीं कि हाथ पकड़ के आपको लिखाना है, एक लेक्चर भी दे दूंगा तो आप अपने से भी लिख पाएंगे, लेकिन ये लिख दिया जाता है कि आप थोड़ा सा आसान हो जाए आपके लिए, और कोई बात नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखें लिखा हुआ क्या है। तो पीएलसी जो मैंने फ़ोटो बनाया है, ये फ़ोटो देखिए ध्यान से, ये वही फ़ोटो है जो प्रीवियस वीडियो का फ़ोटो था। प्रीवियस वीडियो में मैंने मोटर, ग्रीन लैम्प और रेड लैम्प, ये तीनों यूज किया था। कौन कौन? मोटर, ग्रीन लैम्प और रेड लैम्प, ठीक है, और मैंने दो स्विचेस यूज किए थे, बीच में मैंने रिले लगाया था, याद है रिले? तो बोले हाँ सर रिले आप लगाए थे। जब आप रिले लगाए थे और ये मोटर लैंप, ग्रीन लैंप और रेड लैंप का यूज किए थे, लेकिन अब मैंने क्या किया, इस स्विच और इस आउटपुट डिवाइस के बीच में मैंने एक सर्किट लगा दिया, इसके हम लोग कहते हैं पीएलसी, यही हमारा पीएलसी है, इसे कहते हैं पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। क्या नाम पड़ता है इसका? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, पीएलसी बोलते हैं। ये पीएलसी का काम सुनिएगा, इनपुट इधर होता है, इधर से इनपुट से ठीक है, डिफरेंट सिग्नल, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल को एक्सेप्ट करता है। ये जो आपके पास पीएलसी है, ये रिले के पास आया और ये पीएलसी इनपुट सिग्नल को एक्सेप्ट करता है। इनपुट में दो तरह के सिग्नल को दिया जाता है, एक का नाम है एनालॉग सिग्नल। अच्छा से समझिए, कोई ऐसा हड़बड़ी नहीं, बहुत छोटा लेक्चर होगा, ये यूनिट इतना छोटा है कि मैं दो लेक्चर बनाता अगर एक एक घंटा का तो ख़त्म हो जाता, ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा और डिटेल पढ़ाऊँ, क्योंकि ये चीज़ अगले सेमेस्टर में मैं माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बीच में आऊँगा ही आपके पास, ठीक है, क्योंकि आपका छठे सेमेस्टर का टॉपिक ही है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, जो कि प्रोग्रामिंग की दुनिया का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है, ठीक है, और उसको समझना है। तो मैं यहाँ से इनिशिएट कर चुका हूँ और यहाँ मैं आपको बहुत चीज़ें बताऊँगा उससे रिलेटेड, बुरी तो नहीं, लेकिन हाँ 10% चीज़ें उसकी यहाँ आ जाएंगी, और जो कि समझेंगे भी, आप समझते भी हैं। तो मैं एनालॉग सिग्नल भी दे सकता हूँ या डिजिटल सिग्नल भी ले सकता हूँ, ठीक है, एनालॉग सिग्नल ले सकता हूँ या डिजिटल सिग्नल ले सकता हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट, एक क्वेश्चन एक लड़का हमसे पूछा, सर व्हाट डू यू मीन बाय सिग्नल, सिग्नल किसे कहते हैं, आप क्या सिग्नल का मतलब क्या समझते हैं, ठीक है, ये तो पहले इसी को नहीं पता था कि सिग्नल क्या होता है, फिर एनालॉग और डिजिटल सिग्नल का कैसे जिक्र करेंगे आप। तो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल का मतलब समझिए,
सिग्नल, सिग्नल किसे कहते हैं, वैसा कोई भी थिंग्स जो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, क्या जी, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्नल बोलते हैं। जो भी किसी जी कोई ऐसा चीज, दुनिया का कोई भी ऐसा चीज जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन छिपा हो उसे हम लोग सिग्नल कहते हैं। जैसे जब मैं ट्रेन देखते होंगे आप, स्टेशन पर खड़ी होती है, रेड लाइट है, उससे एक इंफॉर्मेशन ड्राइवर को मिलता है कि आपकी गाड़ी रुकनी है, वो रूल बना हुआ है, ठीक है, वो एक इंफॉर्मेशन छिपा हुआ है। ग्रीन लाइट आएगा, उसको इंफॉर्मेशन मिलेगा कि गाड़ी को आगे ले जानी है, ठीक है, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे भारती सर हमको बाय बाय बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसे कर रहा हूँ, ये एक इन्फॉर्मेशन है। डिफरेंट टाइप के इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिग्नल साउंड से ही होता है, सिग्नल, ठीक है, हाथ हिला के या फिर फिजिकल या फिर लॉजिकल या किसी भी तरह का सिग्नल हो सकता है, जिसमें भी इन्फॉर्मेशन होगा उसे हम लोग सिग्नल बोलेंगे, ये सिग्नल इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। अब आइए, जो सिग्नल है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे नहीं कि हाँ ऐसे ऐसे कर दिए तो अब सर ऐसे ऐसे को कंप्यूटर के अंदर कैसे डालिएगा, कंप्यूटर को जाके ऐसे ऐसे बोलिए तो कंप्यूटर काम करेगा, नहीं, जो सिग्नल आपके पास है, ठीक है, उनके मैग्नीट्यूड वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। मैंने क्या बोला, जो भी सिग्नल है उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हर एक सिग्नल का। मैं साउंड निकाल रहा हूँ, कितना इसका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड, ठीक है, और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप इसका सिग्नल, सिग्नल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिग्नल के रूप में यहाँ दिया जाता है। जो डिवाइस जिस तरह का सिग्नल एक्सेप्ट करता है वैसा उसको बनाया जाता है, ठीक है। आपका कान इनपुट, इनपुट एक इनपुट डिवाइस है और वो साउंड सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, तो आप साउंड सिग्नल में ही बोलते हैं और वही साउंड सिग्नल आपके पास है। आपको मालूम है इस रूम में हजारों करोड़ों सिग्नल दौड़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, क्या वो सुन पाते हैं आप, नहीं सुन पाते हैं, उसको टीवी में यानी रिसीवर के पास ले जाना होता है, रिसीवर उसको टीवी में भेजता है, टीवी उसको पिक्चर सिग्नल एंड साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तब आपका कान सुन पाता है और आँख देख पाता है। इन सब बातों को समझिए, ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं जो कि पीएलसी से थोड़ा हटके है, बट पीएलसी जब आएंगे तो पीएलसी तो पूरा चीज़ है ही, मैं लिखा भी रहूं, लेकिन छोटी छोटी बातें इन सबको समझेंगे तो बहुत सारा चीज़ आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कम जुड़ते हैं, कम इसलिए क्योंकि आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के निकल गए, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा सब्जेक्ट आएगा जहां पर आपको मैं प्रोग्रामिंग की दुनिया में इंटर कराऊंगा। चलते हैं, तो यहां पर मैं एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दिया, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन कंटेन करने वाला चीज को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसे हम लोग सिग्नल कहते हैं। अब आइए, सिग्नल, अगर कोई सिग्नल समय के साथ कंटिन्यूअस दे रहा है, समय के साथ कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि कहीं भी वो टूटा हुआ नहीं होगा, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे हम पूछे तो हाँ बोलेंगे, आंसर मिलेगा, कोई भी चाहे वो किसी भी तरह का आंसर दे, वो सिग्नल आउटपुट सिग्नल देगा, यानी कि सिग्नल देगा, मैग्नीट्यूड देगा, ठीक है, ये टाइम अक्ष हुआ, किसी भी टाइम में वो वैल्यू देगा, ये साइनसोइडल हुआ, ये देखिए ये ट्रायंगुलर हुआ, कोई जरूरी नहीं है कि ये साइनसोइडल ही हो, ये स्क्वायर हुआ, देखिए ऐसे, तो इस तरह के सभी सिग्नलों को हम लोग एनालॉग सिग्नल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, एनालॉग सिग्नल, और जितना भी हमारे पास एसी सिग्नल आता है वो एनालॉग सिग्नल के कैटेगरी में आता है, लेकिन कुछ सिग्नल ऐसे हैं जो पर्टिकुलर टाइम तक सिग्नल देते हैं फिर पर्टिकुलर टाइम के बाद सिग्नल नहीं देते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ तक सिग्नल मिला, इतना दूर सिग्नल मिला, फिर बोला हम नहीं देंगे सिग्नल, फिर कुछ देर के बाद सिग्नल देता है, फिर कुछ देर के बाद सिग्नल नहीं देता है, तो इस तरह के सिग्नलों को हम लोग डिजिटल सिग्नल कहते हैं या डिस्क्रीट सिग्नल कहते हैं। फिर से सुनिए, वैसे पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर सिग्नल नहीं मिलने वाले, ठीक है, सिग्नल को वैल्यू नहीं मिलने वाले सिग्नल को हम लोग डिस्क्रीट सिग्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट, या उसका दूसरा नाम है डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल या एनालॉग सिग्नल दोनों में से कोई भी सिग्नल यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिवाइस। यदि डिजिटल डिवाइस होगा तो आप डिजिटल सिग्नल एक्सेप्ट देंगे, और अगर एनालॉग डिवाइस होगा तो एनालॉग सिग्नल देंगे, वो जैसा डिवाइस वैसा सिग्नल आपको देना पड़ेगा। चलिए, तो यह एनालॉग सिग्नल मैंने या डिजिटल सिग्नल दोनों दिया जाता है, वो डिवाइस के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है, दोनों अपना जैसा है। यदि आप मान लेते हैं ये एक लड़का बोला कि ये तो डिजिटल डिवाइस होता है, तो यहाँ पर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एक होता है जिसको कि हम लोग लगाते हैं और वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। अगर आपके पास एनालॉग सिग्नल नहीं है तो आप यहाँ पर कन्वर्टर भी लगा करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो वो उस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है, हमको पढ़ना है पीएलसी, तो हम इधर उधर की बात ज़्यादा नहीं करेंगे, वो खाली बीच बीच में आ रहा है मैं और आप इनिशियल स्टेज के, इसलिए मैं बीच में बोल देता हूँ, ठीक है। मेरा मेन मोटो है पीएलसी पे। तो यहाँ पर जो रिले लगा हुआ था उस रिले को हटा कर हमने एक पीएलसी लगाया। पीएलसी में मैंने तीन पार्ट बनाया है अभी।
अभी इसके अंदर के ब्लॉक डायग्राम नहीं स्टार्ट किया हूँ, इसके अंदर के ब्लॉक डायग्राम अलग होते हैं, वो भी पढ़ेंगे। उसका नाम है ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी। क्या बोले? ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी, करेक्ट। तो मैं इसके अंदर के ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से समझाऊंगा अभी, लेकिन इसके ब्लॉक में तीन पार्ट दिख रहे हैं। एक है इनपुट मॉड्यूल, मॉड्यूल ऐसे समझिएगा, ये इनपुट लिखा है मॉड्यूल सीपीयू, और ये क्या लिखा है आउटपुट मॉड्यूल। इसके तीन पार्ट हुए, इनपुट मॉड्यूल सीपीयू आउटपुट मॉड्यूल, ठीक है, इनपुट मॉड्यूल सीपीयू आउटपुट मॉड्यूल। अब इन तीनों पार्ट को गौर से सुनिए। इनपुट मॉड्यूल क्या करेगा? इनपुट लेगा। यहाँ पर आपका शरीर एक मान ले पीएलसी है, तो ये आँख नाक और कान इनपुट मॉड्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है? इनपुट मॉड्यूल। क्यों? क्योंकि ये तीनों चीज जो आपके पास ज्ञान इंद्रिया बोलते हैं आप इसको, इन तीनों चीजों से आसपास के सराउंडिंग्स का सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ये सूंघ रहे हैं या, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से वो सिग्नलों को एक्सेप्ट करता है, और उसी सिग्नल के एक्सेप्ट होने के बाद आपके दिमाग में सेट किए गए प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग आप आउटपुट सिग्नल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, हंसिएगा नहीं, मेरा एग्जाम्पल थोड़ा हंसी वाला रहता है, ठीक है। आपके हाथ में एक मच्छर बैठ गया, ठीक, मच्छर बैठता होगा, आप डेली एग्जाम्पल देखते होंगे, मच्छर बैठ गया, ठीक है, आपका आँख मच्छर को देखा तो ठीक, नहीं देखा तो मच्छर खून पी के उड़ जाएगा, ठीक, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर मच्छर यहाँ बैठा, आपका आँख पहले इसको देखता है, ठीक, देखा कि मच्छर बैठा हुआ है, मच्छर बैठा हुआ है, तो इनपुट सिग्नल के रूप में आपके आँख से ब्रेन के पास पहुँचा। ब्रेन यहाँ पर प्रोग्रामिंग डिवाइस है, ये ब्रेन में आपका प्रोग्रामिंग सेट है। क्या प्रोग्रामिंग सेट है? कि आपके पापा जी ने बचपन में प्रोग्रामिंग सेट कर दिया था, मच्छर आपके शरीर का खून चूस लेता है, करेक्ट, सही है, और खून के चूसने से आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है। दूसरा ये भी बताया गया था कि इस मच्छर से बीमारी हो सकती है, तो उसके बाद ये भी उसमें डाला गया था कि इस मच्छर को मार देना चाहिए। तीन प्रोग्रामिंग सेट है आपके पास, करेक्ट। कैसे पता क्यों मच्छर को मारते है? पता चला ना, आपके दिमाग में बचपन में ही एक प्रोग्रामिंग डाल दिया गया कि मच्छर को मार देना चाहिए, यह आपको नुकसान पहुंचाता है। तो वो सिग्नल इसके पास पहुंचा, क्या है? मच्छर है, मच्छर को पहचान गए हम लोग, ब्रेन हमारा पहचान गया प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। अब ब्रेन जो है सिग्नल भेजेगा हाथ को, किसको? हाथ को सिग्नल भेजेगा। अब इस हाथ को सिग्नल ऐसा भेजेगा कि बोलेगा जाके इस मच्छर को मारो, ठीक है, आपको लगता है मेरा हाथ मार रहा है, नहीं मार रहा है, दिमाग इस हाथ को सिग्नल भेजता है, ठीक है, वो इसमें ब्लड सर्कुलेशन भेजता है और ये हाथ जाके मच्छर को मारता है। अब देखिए मच्छर को मारने का भी एक तरीका है, तरीका मच्छर को कैसे मारते हैं पता है, मच्छर मारने नहीं सिखा रहे हम यहाँ पर, ठीक है, बता रहे हैं कि ये देखिए मच्छर का जो जैसे आप धीरे धीरे जाइए ऐसे 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 कीजिए, मर जाएगा मच्छर? नहीं मरेगा, आपके मारने से पहले उड़ जाएगा वो, क्योंकि उसके जो वेलोसिटी है वो बहुत तेज होती है, बहुत फास्ट होता है, वो बहुत ही क्विक रिप्लाई करता है, तुरंत उड़ जाता है। तो आपको पता है कि मच्छर बहुत फास्ट उड़ता है, तो आप अपने हाथ को इस स्पीड से लेते हैं कि उसके स्पीड से आपका हाथ का स्पीड ज़्यादा हो। ये कौन सिग्नल दिया? आपका ब्रेन, सब कुछ ब्रेन कर रहा है, ठीक है, यानी ब्रेन में प्रोग्रामेबल डिवाइस सेट किया गया है। तो ये हाथ उस स्पीड से ज़्यादा स्पीड में जाता है जिसके कारण आप मच्छर को मार पाते हैं और मच्छर मर जाता है। तो आज आपने सीखा मच्छर कैसे मारते हैं, हंस रहे होंगे आप लोग, ठीक है, मज़ा आ रहा होगा, मच्छर मारने के लिए सिखा दिया, और एग्जाम में भी लिख दीजिएगा मच्छर कैसे मारा जाता है, और एग्जाम में नहीं आएगा ये, ठीक है। तो मैं आपको इस एग्जाम्पल से ये सेट करना चाह रहा हूँ कि जो आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग डिवाइस सेट रहता है उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं आप, ठीक। अब इस मच्छर मारने वाले एग्जाम्पल को साइड कीजिए, यह हमारा एग्जाम का पार्ट नहीं है, हाँ, लेकिन इससे एक सीख मिली कि यहाँ पर मैं एक प्रोग्रामेबल डिवाइस प्रोग्रामिंग डालूंगा और इसी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। इसमें एक इनपुट मॉड्यूल होता है और एक आउटपुट मॉड्यूल होता था, हमारे शरीर में ये मेरा प्रोग्रामेबल हो गया सीपीयू हो गया मेरा ये माथा, और आँख नाक कान ये मेरा इनपुट मॉड्यूल हो गया, मुँह हाथ पैर ये सब आउटपुट मॉड्यूल हो गया, करेक्ट। तो आपके शरीर को मैंने पीएलसी बना दिया, एकदम करेक्ट, एकदम पीएलसी ही है, ओके। तो मैंने इस सिस्टम में, अब क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल की दुनिया में आ रहा हूँ और मैं इंडस्ट्रियल पढ़ रहा हूँ, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पढ़ रहा हूँ, तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का मतलब होता है इंडस्ट्री में यूज होने वाले ऑटोमेटिक सिस्टम, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। शुरुआत में तरुण सर इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए होंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ठीक है, वो उसका शुरुआत का पार्ट है। तो ये सीपीयू है, तो ये जो पार्ट है रिले के पास आया, किसके पास आया, रिले को रिप्लेस किया, रिले को हटा दिया गया, मैं रिले को हटाया
तो इसके अंतर भी बताऊंगा आगे चल के कि व्हाट इज द पीएलसी और लॉजिक रिले में क्या अंतर हुआ, कि लॉजिक रिले लॉजिक ज़्यादा अच्छा है या पीएलसी ज़्यादा अच्छा है। तो मैं इन दोनों पे बात भी करूंगा, किस किस मामले में अच्छा पीएलसी है और किस मामले में रिले लॉजिक अच्छा है या रिले लॉजिक हमेशा ख़राब ही है, इन सब सब बातों पर हम बात करेंगे। चलिए, तो फिलहाल हमने आपको क्या बताया कि ये जो स्विचेस का कंट्रोलिंग है अलग अलग आउटपुट डिवाइसेस के लिए, वो मैं पीएलसी से करूंगा। पीएलसी प्रोग्रामेबल डिवाइस है, मैं जैसा चाहूंगा वैसा प्रोग्रामिंग करके इसको जला सकता हूं, ठीक। लेकिन रिले अगर होता तो एक ही बार जैसा सेट करते वैसा ही जलता। क्या चेंज कर सकते थे रिले में, चेंज कर सकते थे? तो हाँ कर सकते थे, लेकिन मैंने उसमें एक लिखा था पूरा हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा, सारे वायरिंग सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर चेंज करना होगा, जो कि 4 लाइन का सॉफ्टवेयर है, 10 लाइन का सॉफ्टवेयर होता है, बस बदल दिए, पुट पाट किए, कंप्लीट हो गया सर, फिर नया बनने लगा, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था ना कि जब मोटर चलता है तो ग्रीन लैंप जलता है, रेड लैंप नहीं जलता है, और रेड लैंप जलता है तो मोटर और ग्रीन लैंप दोनों नहीं जलता है। ये हम लोग का सिस्टम है, लेकिन मैं चाहता हूँ उल्टा सिस्टम काम करे, तो मैं प्रोग्रामिंग चेंज करूँगा, उल्टा सिस्टम पे वर्क करने लग जाएगा, मेरी द्वारा जान बताए गए सिस्टम पे वर्क करने लग जाएगा। तो इस तरीके से ये कहलाता है, ठीक है। व्हाट इज पीएलसी, मैं थोड़ा सा और लाइन बाय लाइन पढ़ देता हूँ। पीएलसी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर विच कंसिस्ट ऑफ ए प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ मैं। क्या क्या लिखा? प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी। सर दोनों को समझाऊंगा, प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी होता क्या है। इस सीपीयू के अंदर जब मैं जाऊंगा तो एक मेमोरी सेक्शन आएगा, क्या आएगा? मेमोरी। बिना मेमोरी का कोई भी जो प्रोग्रामेबल डिवाइस है काम नहीं करता है, क्योंकि आप जब सॉफ्टवेयर देंगे उसको दिमाग में स्टोर करने के लिए कुछ जगह चाहिए, नहीं जगह होगा तो कैसे स्टोर कीजिएगा, ठीक है। स्टोर नहीं होगा तो फिर वो कैसे समझ पाएगा कि क्या बोले आप, ठीक है। इसलिए स्टोरिंग सेक्शन होना चाहिए, दैट्स नेम इज अ मेमोरी सेक्शन। इसमें दो तरह के मेमोरी सेक्शन होते हैं, एक प्रोग्राम और एक डाटा। प्रोग्राम में जो काम करना है उसका प्रोग्राम सेट रहता है, जैसे मेरे को दाल बनाने सिखाया गया, चावल बनाने सिखाया गया, रोटी बनाने सिखाया गया, चाय बनाने सिखाया गया, ये सब सिखाया गया। ये सिखाया गया का कुछ स्टेप होगा, वो हमारे प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर होगा। प्रोग्राम है इसलिए प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर होगा, ये कभी डिलीट नहीं होता है। हाँ, अब है चाय बनाने सिखाया गया, चाय कैसे बनाते हैं, चाय कैसे बनाते हो प्रोग्राम मेमोरी में सेट है, लेकिन चाय बनाने के लिए आपको उससे रिलेटेड डाटा हमको देना पड़ेगा, दूध, चीनी, चाय पत्ती सर। तो वो अगर आप डेटा देंगे तो वो डेटा कहाँ स्टोर होगा? डेटा मेमोरी में स्टोर होगा। तो दो तरह के मेमोरी हुए, डेटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर होता है, डेटा मेमोरी में डेटा स्टोर होता है। चलिए ठीक है, टू स्टोर द प्रोग्राम एंड डेटा। दिस पीएलसी एक्सेप्ट डिजिटल और एनालॉग सिग्नल थ्रू इनपुट मॉड्यूल, देन प्रोसेस दैट सिग्नल यूजिंग ALU। देखिए ALU, आलू नहीं जी, बहुत सारा बच्चा आलू पढ़ता है, ठीक है, आलू नहीं है, आलू नहीं है। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप जूनियर सेक्शन में कंप्यूटर पढ़े हैं तो जानते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते होंगे, आलू समझते हैं इसको, ठीक है। तो ALU फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। काउंटर, टाइमर एंड अदर स्पेसिफिक फंक्शंस ब्लॉक, इसके अंदर ALU है, काउंटर है, टाइमर है, अदर स्पेसिफिक फंक्शन ब्लॉक है, इन सब के यूज से प्रोसेस करना शुरू करता है इनपुट से लिए गए सिग्नल को। आफ्टर प्रोसेसिंग इट गिव एनालॉग और डिजिटल आउटपुट, यहाँ से एनालॉग या डिजिटल आउटपुट देता है जैसा जरूरत है, डिवाइस जैसा लगा हुआ है। अगर यहाँ डिजिटल डिवाइस लगा तो डिजिटल आउटपुट देगा, अगर एनालॉग डिवाइस लगा तो एनालॉग आउटपुट देगा, ठीक है। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एन एप्लीकेशन, जैसा तुम्हारी जरूरत है उसके आधार पर आउटपुट देगा। एन एनालॉग इनपुट और डिजिटल आउटपुट गोज इन द इनपुट मॉड्यूल ऑफ पीएलसी, ठीक है। देखिए फिर से मैं आ गया इसमें, ये तो उसके लिए पीएलसी का इंट्रोडक्शन हुआ, इस फोटो पे बात कर रहा हूँ। एनालॉग या डिजिटल सिग्नल इसको देते हैं। दिस सिग्नल प्रोसेस बाय सीपीयू इन विच प्रोग्राम रिटेन ऑन इट, इसमें जो प्रोग्राम लिखा रहता है उसी के अकॉर्डिंग प्रोसेस होता है। आफ्टर प्रोसेसिंग इट गिव सुटेबल आउटपुट थ्रू आउटपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल से आउटपुट देता है। इन दिस फिगर पीएलसी इज पुटेड इन द प्लेस ऑफ रिले, ये जो पीएलसी है ये पीएलसी है, रिले के पास पुट किया गया, रिले को हटाया गया, यानी कि जिस रिले पहले चलता था, रिले सिस्टम अभी भी चल रहा है, लेकिन कुछ कुछ कम कॉस्ट वाले जगह में रिले यूज होता है, लेकिन जहां ज़्यादा कॉस्ट लगता है वहां पर रिले लगाएंगे तो रिले ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, उसके जगह पर पीएलसी लगा के इजीली वर्क किया जा सकता है, फास्टली वर्क किया जा सकता है, ठीक है। ए पीएलसी इज ए प्रोग्रामेबल डिवाइस विच इज ए प्रोग्रामड बाई यूजर अकॉर्डिंग टू वर्क, देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रामेबल डिवाइस है और प्रोग्राम्ड होता है किसके द्वारा? यूजर के द्वारा। किसके? अकॉर्डिंग टू वर्क, जैसा मेरा काम है वैसे मैं प्रोग्राम कर सकता हूँ, मैं जैसे चाहूँगा वैसे उस सिस्टम को चला सकता हूँ इस पीएलसी के द्वारा।
दिस पी एल सी इज मोर रिलायबल दैन रिले लॉजिक सिस्टम, ज़्यादा अच्छा माना जाता है रिले लॉजिक सिस्टम से। रिले लॉजिक सिस्टम एक ही बार प्रोग्राम्ड होता है, यानी एक ही बार सिस्टम बनता है और वो उसी सिस्टम पर चल रहा है एक ही तरह का, ठीक है। लेकिन अगर मैं बदलना चाहूँगा तो उसका पूरा हार्डवेयर सिस्टम, वायरिंग सिस्टम पूरा बदलना पड़ेगा। तो ये पूरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था व्हाट इज़ पीएलसी। तो मैं एक छोटा सा पार्ट लिख दिया हूँ, अगर ये तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग ये जानना चाहते हैं कि पीएलसी और रिले लॉजिक में कुछ अंतर होता है। अंतर का मतलब किस किस मामलों में पीएलसी, किस मामलों में क्या अच्छा है। चलिए सबसे पहले रिलायबिलिटी अगर बात करूँ तो इसमें ज़्यादा रिलायबल होता है। रिलायबल का मतलब समझते हैं सर, ये मोर ये लेस। कम रिलायबल का मतलब होता है आसानी से प्रयोग कर सकना, इसी को रिलायबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलायबल। मेंटेनेंस कॉस्ट इसका लेस होता है सर, बहुत कम खर्च होता है, इसका मोर होता है। अगर मान लिया कि किसी कारण से हाई वोल्टेज या हाई करंट से रिले जल गया, ठीक है, तो आप उसको रिप्लेस करते हैं या उसको मेंटेन बनाने में समय लग जाता है, मिस्त्री अलग से अपना कॉस्ट ले लेगा, फिर उसमें वायरिंग सिस्टम। तो रिले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है, जैसे कि आप रवि सर आपको पढ़ाए हैं, तो उसको चेंज करना थोड़ा, मैग्नेट वगैरह रहता है उसके अंदर, ठीक है, इसलिए मेंटेनेंस कॉस्ट उसका ज़्यादा होता है, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट इसका कम होता है। इसमें जो भी होगा प्रोग्रामिंग ही खराब होगा। जैसे मान लिया मेरे पास एक लैपटॉप था, लैपटॉप खराब हो गया, तो हम बोले लैपटॉप खराब हो गया, पूरा 30,000 चला गया। नहीं, दुकान में गए, बोला कुछ नहीं सर, एक विंडोज का सॉफ्टवेयर, नया ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दीजिए, फिर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, 200 रुपये मेरे से लिया, फिर से मोबाइल, मेरा लैपटॉप वैसे के वैसे हो गया, यानी कि हर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम था उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से मेंटेनेंस कॉस्ट ईजी होता है, आसानी से होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि तो अगला बढ़ते हैं लाइफ। लाइफ जो है पीएलसी का ज़्यादा होता है, मोर होता है और इसका लेस होता है, ठीक है। कैसे सर? कम लाइफ क्यों? क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी मतलब कब जलेगा कब नहीं जलेगा कुछ पता नहीं, लेकिन ये सर्टेन है, ठीक है, कि इसको एक निश्चित सप्लाई वोल्टेज दिया जाए तो वो नहीं जलेगा। आइए ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग में क्या लिखता है? ट्रबल शूटिंग ईजी है, ठीक है। ईजी मतलब आसानी से ट्रबल शूट कर सकते हैं। ट्रबल शूट का मतलब कोई अगर गलती निकल गई, मान लिया कि हम जो जला रहे थे लाइट, हम जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं मिला, गलती हो गई, तो फिर हमको वायरिंग सिस्टम रिले में बदलना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या करना होगा? एक प्रोग्राम डालो, प्रोग्राम चेंज करो, हो जाएगा। प्रोग्राम चेंज किया, बन गया, देन ईजी होगा और इसके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। कॉम्प्लिकेटेड मतलब समझते हैं थोड़ा सा हार्ड होगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर टाइमर काउंटर इसमें होता ही नहीं है सर। टाइमर काउंटर क्या होता है सर? हम ये जानना चाहते हैं कि कितना देर में लाइट को जला दिया या कितना देर में कंट्रोल कर लिया, ये जानना चाहते हैं, ये जानना चाहिए ना सर। आप मच्छर को कितना देर में मार दिए थे, पता है आप तो उसका टाइमिंग काउंटिंग होता है आपके समय में, तुरंत मार दिए थे, बोले सर 1 सेकंड से कम बोलते हैं आप, कैसे जान गए? क्योंकि आपके दिमाग में काउंटिंग लगा हुआ है, ठीक है, कोई भी चीज़, ठीक है। तो इसको टाइमर बोलते हैं, टाइमर काउंटर टाइमर समय के साथ गिनने वाला, ठीक है। तो इसमें होता ही नहीं है, नॉट प्रेजेंट। अरे सर इसमें कैसे प्रेजेंट होगा, ये तो आपका डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है, इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है और इसी के अकॉर्डिंग वो काउंटिंग करता है। इंटरनल मेमोरी इसमें होता है सर, प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसमें मेमोरी में, हाँ इंटरनल मेमोरी का मतलब समझा रहा हूँ, इसमें एब्सेंट होता है। इंटरनल मेमोरी का क्या काम है? इंटरनल मेमोरी काम है, जैसे मान लिया कि अभी कोई पीएलसी वर्क किया, पीछे क्या काम किया था उसको भी स्टोर करके रखे रहेगा, पीछे के 3-4 स्टेप को स्टोर करके रखता है। जैसे मेरे पास ये कैलकुलेटर है, मैं जब कोई जोड़ता हूँ, ठीक है, ऐसे मान लिया इसको ऑन करके मैंने जोड़ा, कुछ इस तरह से आंसर आया, ठीक है, तो मैं इसको पीछे का चीज़ को देख सकता हूँ कैलकुलेटर में, देखिए पीछे क्या था, वो मेमोरी इसके पास पीछे का 3-4 स्टेप का मेमोरी को स्टोर करके रखता हो, ठीक है। तो यही बात है इंटरनल मेमोरी में, कि जो भी वर्क फंक्शन हुआ होगा, जैसे मान लिया आपने कुछ दबाया, मशीन गलत चला, ठीक है, आपका मालिक आ गया, बोला कि नहीं नहीं आपने तो, आप बोले कि हम तो सही चलाए थे, मशीन ख़राब कैसे हो गया, ठीक, तो कैसे पता चलेगा आपने सही दबाया था? तो आपके इस पीएलसी के अंदर क्या आपने पुटअप इनपुट दिया था वो आपका स्टोर हो जाएगा, और उससे पता चल जाएगा कि आपने गलत इनपुट दिया था या सही इनपुट दिया था। तो ये कोई भी इनपुट्स को काउंटिंग करता है और उसको स्टोर करके रखता है, दैट्स द इंटरनल मेमोरी। पासवर्ड लॉक प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट होता है पासवर्ड लॉक। प्रेजेंट पासवर्ड लॉक का मतलब सर, मान लिया कि मैं किसी मॉड्यूल से जोड़ दिया हूँ किसी डिवाइस को, और मैं चाहता हूँ कि मैं ही चलाऊँ, तो पासवर्ड से सिस्टम से खोलिए तभी वो वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। लेकिन रिले लॉजिक में ऐसा पासवर्ड नहीं होता है, अरे बार एक बार जोड़ दिया तो कोई भी उसको चला सकता है, उसमें खाली करंट देने की बात है। लेकिन ये पासवर्ड लॉक हो सकता है, मैं इसमें पासवर्ड सेट कर सकता हूँ और मेरे द्वारा ही चलाया जा सकता है यदि मैं चाहूँ तो। इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है, ओके। फॉर चेंज इन द लॉजिक, यस इसमें चेंज किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, और ठीक है
चेंज इजी, चेंज चेंज इजीली चेंज, इजीली चेंज, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसमें कर सकते हैं, ठीक है, इसमें इजीली चेंज कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, इजीली चेंज कर सकते हैं, बट इसमें ठीक है इजीली चेंज नहीं कर सकते हैं, नॉट इजी, नॉट इजी, इसका मतलब ये हुआ, नॉट इजी का मतलब ये हुआ, ठीक है, इसमें पूरा ऑल हार्डवेयर चेंजिंग, ऑल हार्डवेयर, मेरे पास पूरा हार्डवेयर है, ऑल हार्डवेयर, ठीक है, वी हैव ऑल हार्डवेयर चेंज्ड, पूरा हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा आपको इसके लिए, इजीली चेंज होगा और नॉट इजीली, आसानी से चेंज नहीं होगा। तो मैंने आज आपको ठीक है व्हाट इज पीएलसी, पीएलसी क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में समझाया और मैंने पीएलसी और रिले लॉजिक के बारे में बताया, ठीक है, मैं बहुत स्लो लेके जा रहा हूँ, बहुत इलाबरेट करके बता रहा हूँ, पता नहीं आपको कितना समझ में आता है, ठीक है, तो आप अच्छे से लिखिए, आज इतना दूर लिखिए, फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं इसके ब्लॉक डायग्राम पे बात करूंगा और साथ साथ एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ पीएलसी, पीएलसी क्या अच्छी चीज़ है, तो हाँ सर अच्छी चीज़ है, क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है, हाँ सर प्रॉब्लम भी है, तो एडवांटेज भी बात करूंगा और डिसएडवांटेज भी बात करूंगा, किन जगहों पर पीएलसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कहाँ कहाँ पीएलसी बहुत अच्छा वर्क करता है, किन जगहों पर हमें पीएलसी यूज़ नहीं करना चाहिए, सभी जगह पर मैं आपको बात करूंगा, दैट्स नेम इज़ अ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पीएलसी, साथ साथ पीएलसी के अंदर जो सीपीयू लगा हुआ है, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं सीपीयू, ठीक है सीपीयू, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, ये अगला सेक्शन होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।